नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है फ्राइडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। हम जा रहे हैं जिम, एक पुल वर्कआउट लगा रहे हैं, पर वर्कआउट से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वेलकम बैक टू माई व्लॉगिंग कार, क्योंकि ये कार अब सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यूज होती है। और मुझे आपसे बात क्या करनी थी, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक फेलियर हैं? क्या आप कभी फेल हुए हैं? क्या आपने कभी रिजेक्शन फेस किया है? क्या आपको ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आपको पीछे छोड़ती जा रही है? मेरे साथ पिछले हफ्ते ही ऐसा हुआ। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और मैं बहुत ईगरली उस इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहा था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया, मैं फेल हो गया। तो मेरा कैरियर पिछले 4-5 साल से एक ही जगह अटका हुआ है। कोविड आया, एविएशन इंडस्ट्री ठप हो गई, लेकिन अब चीजें इंप्रूव हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं वही जॉब पिछले 4-5 साल से कर रहा हूं, जो मेरे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि मुझे अपने कैरियर की शुरुआत में काफी अपॉर्चुनिटीज मिली, काफी ग्रोथ मिली। तो इसलिए मैं चाहता हूं एक नया चैलेंज, कुछ नया सीखना, जीवन में आगे बढ़ना। तो मैंने देखा इंटरनली मेरी ही कंपनी में एक जॉब थी जो हमारी इंटरनल वेबसाइट पे आई, बहुत अच्छी जॉब थी, इंडिया से बाहर बेस्ड थी, बहुत बड़ा रोल था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, मतलब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर किया। मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, लेकिन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैं फेल हो गया। और जैसा कि सबके साथ होता है, मुझे ठेस लगी, मुझे बुरा लगा। 2 दिन तक मैं बहुत ही ज्यादा उदास रहा। मुझे लगा कि शायद ये मेरे कैरियर का सैचुरेशन है, शायद मुझे मेरे कैरियर में आगे बढ़ने में काफी दिक्कत आएगी। मुझे ये भी लगा कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ किसी बड़े रोल के लिए। सो 2 दिन सल्क करने के बाद, उदास रहने के बाद, 2 ख्याल मेरे दिमाग में आए जिसने मेरी हेल्प करी। उनमें से एक ख्याल मैंने एक किताब में पढ़ा था। मैं काफी रीडिंग करता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ, तो उसमें एक चीज लिखी थी जो मुझे एकदम से याद आई कि मैंने इस सिचुएशन को कंपेयर किया एक दरवाजा खोलने से, कि मैं एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस दरवाजे के उस पार जाना चाहता हूँ ग्रोथ के लिए। उस दरवाजे के पार मेरी ग्रोथ है, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो दरवाजा खुलेगा तो मैं ग्रोथ पा पाऊंगा। मैं पूरे जी जान से, पूरी मेहनत के साथ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। तो पूरी मेहनत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है, मैं उस दरवाजे को खोलने में फेल हो जाता हूँ। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है कि ये दरवाजा मेरे लिए है ही नहीं, हो सकता है वो दरवाजा मेरे लिए कभी बना ही नहीं था, हो सकता है वो कभी खुलेगा ही नहीं मेरे लिए, हो सकता है मेरे लिए कोई और दरवाजा बना है, हो सकता है वो दरवाजा कहीं और है, और हो सकता है उस दरवाजे के पार जो फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा है इस दरवाजे से। बस पॉइंट ये है कि मुझे पता नहीं है कि वो दरवाजा कहाँ है, मुझे वो दरवाजा ढूंढना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, मुझे वो सारी स्किल्स इकट्ठी करनी है, वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है, ताकि मैं उस दरवाजे को आराम से खोल पाऊं और उस पार जा पाऊं। तो मुझे चाहिए सिर्फ पेशेंस, मुझे सिर्फ वेट करना है उस दरवाजे तक पहुंचने का, उसे आइडेंटिफाई करने का और उसे खोलने का। तो ये ख्याल जैसे ही मुझे याद आया, मुझे काफी अच्छा लगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आई मेरे अंदर और मैं वापस फोकस करने लग गया अपनी जॉब पे, जैसे मैं पिछले 4-5 साल से करता आ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, जब भी आप रिजेक्ट होते हैं, जब भी आप फेलियर फेस करते हैं, तो आपको बुरा लगता है, आपको ठेस लगती है, आपको वो एक गंदी वाली फीलिंग आती है। मुझे याद है मेरे एक मैनेजर थे, इंडिया से बाहर मैं काम कर रहा था, उनको मुझे एक फीडबैक देना था मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मेरी परफॉर्मेंस में कमी थी, तो वो हाईलाइट करना चाहते थे दैट वेयर एम आई लैकिंग, मुझे कहां पर इम्प्रूव करना है। तो उन्होंने मुझे वो फीडबैक दिया और वो फीडबैक देने के बाद उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मुझे पता है कि ये फीडबैक सुन के आपको बुरा लगा होगा, किसी को भी नेगेटिव फीडबैक अच्छा नहीं लगता। जब भी आप अपने बारे में कुछ गलत या कुछ बुरा सुनते हैं और आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ आप में ये कमी है, तो आपको एक टेस्ट लगती है, यू एक्सपीरियंस अ वेरी बैड फीलिंग। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप ये फीलिंग एक्सपीरियंस करें और इस फीलिंग को याद रखें और इस फीलिंग को यूज करें एक एनर्जी की तरह, ऊर्जा की तरह, अपने आप को इम्प्रूव करने में। अगर आप मेरी बात एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे तो ये फीलिंग का एहसास आपको कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि बुरा लगना कैसा होता है, ठेस लगना कैसा होता है, तो ये एनर्जी आपके अंदर रहेगी जो आपको पुश करती रहेगी इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इस बात के लिए मैं अपने उस मैनेजर का आज तक शुक्रगुजार हूँ,
तो ये जो इंटरव्यू के रिजेक्शन की फीलिंग है ना, बुरी नेगेटिव फीलिंग, इसको मुझे अब यूज करना है एनर्जी की तरह। ये मेरा एक एनर्जी सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे पता लगाना है कि कहां कहां मेरे में कमी है, मुझे किस एरिया में मेहनत करनी है, कैसे मुझे अपने आप को रेडी करना है। मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने मैनेजर से बात करनी है, अपने कलीग से बात करनी है, अपने मेंटर से बात करनी है। बट मुझे इस एनर्जी को मरने नहीं देना, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे रेडी रहना है। तो ये थी वो बात जो मैं आपसे करना चाहता था। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने जीवन के उतार चढ़ाव आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इट्स कम्प्लीटली ओके टू फेस फेलियर इन लाइफ माई फ्रेंड। सब लोग फेल होते हैं, सब फेलियर फेस करते हैं, सब रिजेक्शन फेस करते हैं, लेकिन फेल होना ये नहीं कहता कि आप एक फेलियर है। आप मोमेंटरली उस सिचुएशन में उस समय फेल हुए हैं, but that doesn't necessarily mean that you are a failure. Similarly, मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूं कि मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया, but I am not a failure. I will move ahead in life. मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं अपने आप को रेडी करूंगा, and I will definitely progress in life. तो दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया और मैंने आपको बोर किया तो आई एम सॉरी, पर मुझे अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करनी अच्छी लगती है। प्राइमरली है तो ये फिटनेस चैनल, और हम पहुंच चुके हैं जिम, और अब हम लगाएंगे एक फुल वर्कआउट और मैं आपसे मिलूंगा जिम के अंदर। पता नहीं भाई क्या दिक्कत है आज गाड़ी मैंने इतनी दूर लगाई है, पहली बार पूरी पार्किंग भरी पड़ी है, पूरी सड़क भरी पड़ी है, आई थिंक जिम भी पूरा भरा होगा आज। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah. जिम में भीड़ बहुत थी, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट अ गुड वर्कआउट। और आज मैं अकेला गया था, इश्ता का आज डे ऑफ था, और जब उसका डे ऑफ होता है तो मेरा ऑफिशियल कैमरामैन छुट्टी पे होता है, तो जिम के सारे शॉट्स मैं खुद लेता हूँ ट्राईपॉड यूज करके, तो इसलिए आपको एंगल थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। लेकिन एक भरे जिम में शूट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सबसे पहले तो आपको जगह नहीं मिलती ट्राईपॉड को कहीं टिकाने की, दूसरा लोग घूर घूर के देखते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि मैं क्यों शूट कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों के चेहरे पे वो लुक होता है कि ये बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, दैट आई एम इन लव विद माईसेल्फ। मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, दे मे हैव मल्टीपल थॉट्स, पर उनके चेहरे पे वो स्केप्टिकल लुक हमेशा होता है। और पहले ऑनेस्टली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत शर्म आती थी, मैंने कभी ऐसा लाइफ में करा नहीं था, तो मैं ऐसे शूट करने में बहुत ऑकवर्ड फील करता था। बट आई थिंक नाउ आई हैव गॉट यूज्ड टू द प्रोसेस, अब मैं आराम से कैजुअली शूट कर लेता हूँ। मुझे पता है लोग आसपास जजमेंट पास करते हैं अपने दिमाग में मेरे लिए, पर उससे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम हो रहा है 10:10, भूख बहुत तगड़ी वाली लग रही है, और ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है। इसमें है ओट्स और प्रोटीन, और यह है एक बोल ऑफ फ्रूट। और मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आजकल कि मैं अपने फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो बनाऊं, जो कि मैं बनाऊंगा, मेरी टू डू लिस्ट में है। लेकिन मुझे आपसे कुछ डाइट के फंडामेंटल्स की आज बात करनी है। जो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, जो भी जिम जाता है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आई थिंक 2200 से 3000 या 3200 कैलोरी के बीच में रेंज करेगी, डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड व्हाट इज योर गोल। तो आप उसके अनुसार अपनी डाइट को प्लान करेंगे। मैं अपनी डाइट आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसे कॉपी पेस्ट करना गलत होगा। आपको सिर्फ उससे टिप्स लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है, और अपनी डाइट खुद से प्लान करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ 2600 से 2700 कैलोरीज खाना रोज। मैं 3000 कैलोरीज खा रहा था तकरीबन 3 महीने के लिए, मैंने अपना वेट बढ़ाया और अब मुझे फैट कम करना है, तो मैंने 200-300 कैलोरीज कम खाना स्टार्ट किया। और मैं दिन में खाता हूँ 5 मील्स, तो उसके हिसाब से मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रेकफास्ट 500-600 कैलोरीज से ज्यादा हो, क्योंकि मुझे लेटर इन द डे शाम को और रात की मील्स हैवी खाना पसंद है। मैं उस समय ज्यादा खाना खाना चाहता हूँ, क्योंकि नेचुरली मुझे उस टाइम ज्यादा भूख लगती है।
तो इसलिए जो मेरी दिन की मील्स होती है मैं उन्हें कैलोरी डेंस नहीं रखता, कम कैलोरीज का रखता हूँ। तो उसी तरह से मेरा ये ब्रेकफास्ट है। ये ब्रेकफास्ट कुल मिला के 550 कैलोरीज का है, इससे मुझे 32 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ये परफेक्ट है मेरी भूख मिटाने के लिए, ये परफेक्ट है मुझे वो मैक्रोस देने के लिए जो मुझे सुबह सुबह चाहिए। लेकिन हो सकता है ये आपको सूट ना करे, आपके लिए सूटेबल ना हो, हो सकता है कि आप 5 मील ना खा पाए दिन में, हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना हो, या आपके भूख का पैटर्न नेचुरली अलग हो सकता है, आपको सुबह ज्यादा भूख लगे शाम को कम भूख लगे, तो आपको अपनी कैलोरीज उस हिसाब से एडजस्ट करनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह हैवी मील खाना चाहते हैं, आप ब्रेकफास्ट चाहते हैं कि आपका हैवी हो, आप इसमें एक केला डाल दीजिए, एक चम्मच पीनट बटर डाल दीजिए, 200 कैलोरीज बढ़ जाएंगी, तो ये ब्रेकफास्ट बन जाएगा 750 कैलोरीज का। अगर आपको और कैलोरीज बढ़ानी है तो इसमें 85 ग्राम्स ओट्स है, आप 100-110 ग्राम ओट्स भी खा सकते हैं, तो आप 50-100 कैलोरीज और बढ़ा सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप डेफिसिट में हैं, आप कम कैलोरीज खाना चाहते हैं लेकिन अपना पेट भरना चाहते हैं, तो भाई फ्रूट को यहां से हटा दीजिए, केवल ओट्स और प्रोटीन खाइए, 150 कैलोरीज की निकल जाएगी, बच जाएंगी केवल 400 कैलोरीज। तो इतना विस्तार से ये सब एग्जांपल्स के साथ बताने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप पहले देखिए कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए, आप दिन में कितनी मील्स खा सकते हैं और हर मील में आपको कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है, ये आपको खुद डिसाइड करना है अपने भूख के अनुसार कि आपको किस समय ज्यादा भूख लगती है, और अपने लाइफस्टाइल के अनुसार कि आपको कितना टाइम किस समय मिलता है खाना खाने का। ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम सब करते हैं, उसके अलावा आप कितनी मील्स ले सकते हैं, या अगर आपको उन तीन मील्स में ही सारी कैलोरीज डिवाइड करनी है तो वो अच्छी खासी हैवी होनी चाहिए। सो डिसाइड ऑन द इंग्रेडिएंट्स, डिसाइड ऑन द डेंसिटी ऑफ कैलोरीज दैट यू नीड फ्रॉम ईच मील, and then make your diet plan. पर मैं अपना full day of eating video जल्दी बनाऊंगा, लेकिन अब मैं ये breakfast खाऊंगा, भूख लग गई बहुत। तो breakfast हो गया, अभी बज रहे हैं 10:30 और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको video के starting में बताया था कि आज Friday है तो मैं कुछ काम क्यों नहीं कर रहा, मैं खाली क्यों बैठा हूँ, आज मेरी छुट्टी है और छुट्टी इसलिए है कि आज हम दोनों जा रहे हैं अपना वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगवाने, और हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं चाहे बूस्टर डोज भी हो तो आपको मिलती है छुट्टी, तो इसलिए आज काम नहीं है। अभी एक घंटे में हमें जाना है, दोनों को अपॉइंटमेंट ली है हमने प्रॉपर हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाके अपना बूस्टर डोज लगवाना है। और ये क्या कर रही है इस टाइम, ये नहाई है, अब गर्मी इतनी है कि नहाते ही पसीने आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर AC चला के आराम से पहले पसीने सुखा रही है, उसके बाद हम तैयार होकर निकलेंगे वैक्सीनेशन करवा लेंगे। चले रेडी, चलो सुबह सुबह डाइट कोक। सेंटर लॉकिंग नहीं है इस गाड़ी में, ठंडी ठंडी गाड़ी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा चल रही है गाड़ी, इज बर्निंग। क्या हुआ, तू पी ले गर्मी बहुत बुरी है, AC के ब्लोअर की पूरी फुल आवाज आ रही है अभी आपको, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इंजेक्शन का डर लग रहा है तेरे को? नहीं, क्यों लग रहा है? मेरे को लगता था बचपन में, मेरे को सुई से बहुत डर लगता था, मैं इंजेक्शन से बचता था जितना बच सकूं। वही हाल विहान का है अभी, अब तो मैं लगवा लेता हूँ, अब तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हॉस्पिटल पहुँच गए, इट्स नॉट टू फार, 10 मिनट की ड्राइव थी, और इस हॉस्पिटल का एक विंग हॉस्पिटल है, दूसरा विंग इन्होंने स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए कर दिया था, जाके चेक करना है कि अभी भी वही अरेंजमेंट है और हैज इट चेंज्ड। गलत बिल्डिंग में घुस गए हम, दूसरी बिल्डिंग है वैक्सीनेशन की, तभी हमें थोड़ा अलग अलग लग रहा था। हाँ, आई रिमेम्बर, दिस इज द वन, यहाँ पर हमारे पहले तो वैक्सीनेशन हुए थे, पहले भी यही गए थे ना नीचे। वेटिंग है नहीं, कोई भी नहीं, खाली। तूने मेरी गाड़ी लॉक भी नहीं करी, कोई चोरी कर लेता तो? क्यों, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो चोरी नहीं हो सकती? ये चश्मा पे चढ़ जाएगी, मैं कर लूंगा। तू तो चाहती है मेरी हर चीज टूट जाए, चाहती है तू, मेरे मिशन यही है लाइफ में। तोड़ दिया, मैंने क्या किया, पिचका दिया? मैंने नहीं पिचकाया, वैक्सीनेशन हो गई है, अब हम आगे चल पड़े हैं, ज्यादा दर्द नहीं हुआ, पिछली बार मुझे आधे थोड़ा दर्द हुआ था। तो अब एक टिप, मैंने वर्कआउट अपना कैसे प्लान किया, आज सुबह मैंने वर्कआउट किया और अब मैंने वैक्सीनेशन लगाई,
और वैक्सीनेशन में कोई साइड इफेक्ट हो ना हो, पहले तो नहीं हुआ मुझे, पर कई लोगों को फीवर वगैरह आता है, तो उसके लिए कल हम रखेंगे डे ऑफ, कल वर्कआउट नहीं होगा। और परसों मैं मारूंगा लेग्स, जिससे हाथ का कोई लेना देना नहीं है। दोनों बार जब मैंने वैक्सीनेशन कराई थी तो हाथ में स्टिफनेस आती है दो तीन दिन के लिए, तो प्रॉपर अपर बॉडी वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से दो दिन का अपर बॉडी को रेस्ट देंगे, मतलब कल की छुट्टी, परसों लेग, उसके बाद मारेंगे पुश वर्कआउट। होपफुली तब तक सब ठीक हो जाना चाहिए, कोई स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए, दवाई भी अपना असर दिखा देनी चाहिए। चल नहीं रही थी से मेरी गाड़ी, है ना, स्पोर्ट्स कार सबसे नहीं चलती, लेकिन हॉस्पिटल तक खाली। आज से गवर्नमेंट ने आई थिंक डिक्लेयर भी किया है कि बूस्टर डोज फ्री है, फिर भी लोग नहीं थे, तो मुझे लग नहीं रहा कि सब लोग बूस्टर लगा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोविड को अभी भी सीरियसली लीजिए, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये इम्प्रूवमेंट वैक्सीनेशन की वजह से ही आई है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन का रेट बढ़ा है, लोगों की पावर टू डील विद दिस वायरस इम्प्रूव हुई है डेफिनेटली, सारे नंबर्स भी यही बता रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो मेरी आपसे विनती है कि जाके बूस्टर डोज लगवाइए, वैक्सीनेटेड रहिए, अपने पूरे परिवार को लगवाइए, अपने जान पहचान में, अपने ऑफिस में सबको एनकरेज करिए। चीजें इम्प्रूव हुई है बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, जैसे कहते हैं, तो हमें रहना पड़ेगा सतर्क और हमें लगानी पड़ेगी वैक्सीन। क्या मैं न्यूज रिपोर्टर की तरह न्यूज रिपोर्टर लग रहा दोबारा बोलूंगी चलेगा अगले वीडियो में, बाय।